परेशान हो, इसके लिए निकल जाते हैं कभी कभी, और प्रेग्नेंसी में बहुत कुछ चलता रहता है अंदर, और गैस के गोले टैब बन जाते हैं भाई साहब, कहां से कहीं फिर से ना निकल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो है गुड न्यूज़ का ऑफिशियल ट्रेलर, और इसमें है अक्षय कुमार, करीना, दिलजीत और कियारा। और गुड न्यूज़ से तो आपको पता ही है, मीनिंग तेरा सबको पता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पता ही है, और नहीं है तो आपको पता लग जाएगा इसको देख के कि गुड न्यूज़ किसकी होती है। ऑब्वियस सी बात है, बाकी ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर से पता लगेगा कि एक्चुअल गुड न्यूज़ क्या है। तो देखते हैं इस ट्रेलर को। आपके अपनी वाइफ के साथ रिलेशंस कैसे हैं? झगड़ा चल रहा है लेकिन रिलेशंस सेक्स लाइफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 16 बार कितने दिनों में? उधर दो ही तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, पर ऐसे नहीं कि बेडरूम में जाते हो ऐसा लगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जा रहा हूँ। दीप्ति के एग्स और आपके स्विमर्स को हमारे लैब में फर्टिलाइज करें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। परफेक्ट, लेट्स डू इट। मिस्टर एंड मिसेस बत्रा? यस यस यस। दो आ गए। आर यू आल्सो बत्रास? या वाओ, वी आल्सो। छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? देयर हैज बीन स्पर्म मिक्स अप। भैंस की आंखें जल क्या रहा है यहाँ पर? कोई मुझे हिंदी में बताएगा? मैं बताता हूँ, इन्होंने मेरा स्पर्म इनके वहां भेज दिया और आपका स्पर्म क्या लेना देना? क्यों नहीं होगा जी, मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर। तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में, मैं अपना बच्चा तो नहीं गिराने दे सकते होंगे। तुम्हारी वजह से वो लोग हमारी जिंदगी में गुस्सा है, अब उनका इन दोनों जाहिलों को। ये तुम्हारा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा है। लेकिन बच्चे में स्पैम तो मेरा है। ऐसे तो इनके बच्चे में स्पैम मेरा है। ऐसे कैसे? एग तो मेरा है ना जी, तो इसमें एग मेरा ही है। नहीं, स्पैम तो मेरा ना जी। एग स्पैम, एग स्पैम, पागल हो गए तुम लोग। कौन? इसके पिताजी। इसके ना जी निकल जाते हैं कभी कभी, और प्रेगनेंसी में बहुत कुछ चलता रहता है अंदर, और गैस के गोले टैब बन जाते हैं भाई साहब, कहां से कहीं फिर से ना निकल जाए। खतरनाक हो गई यार, हाथ हंस के दर्द होने लग गया। तगड़े मतलब पंच सीन डाले हैं भाई। भाई क्या मूवी बनाने जा रहे हैं भाई, ट्रेलर इतना जबरदस्त है भाई। पूरी मूवी में क्या होगा फिर भाई? अब स्टोरी तो सबको समझवाई गई है। ट्रेलर से मतलब पता लग ही रहा है पूरे इसमें मूवी में क्या होने वाला है। भाई एक छोटा सा टॉपिक और बहुत बड़ा बना दिया है, और बेसिकली हुआ भी ऐसा लोगों के साथ, क्योंकि फॉरन में मैंने पढ़ा भी था कि उसका वो फॉरनर थे और उनका जो बेबी हुआ वो एशियन की तरह लग रहा था, जैसे इंडियन से हुए पाकिस्तानी इनकी तरह लग रहा था वो। तो उसने पूछा लड़के के बाप ने,
डॉक्टर से कि किसके बच्चा ऐसा कैसे दिख रहा है, तो उसने बताया बात वो चली होगी मिक्सअप हो गया होगा तो उस टाइम हुआ, तो फिर उसका अभी चल रहा है, तो कह रहा भाई मेरे को बता तो दो कि लड़की का बाप है कौन, ये स्पर्म है किसका, मेन चीज है कल को बच्ची बड़ी हो गई पापा आप ऐसे दिखते मम्मी ऐसे दिखते मैं ऐसी कैसे दिख रही हूँ जैसे इसमें दिखाया हुआ है एंड में निकलता छोटा दिलजीत निकलता है छोटा जी वही वो कहता ना कि मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा था इनके बाद आएगा बहुत ही तगड़ा। और मतलब इसमें दिलजीत है तो भाई दिलजीत का तो मतलब कॉमेडी का जो रहता है यार अक्षय कुमार के तो यार सीरियस रोल देख लो या वैसे देख लो तो हर रोल में वो बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि वो तो परफेक्ट है। और उसके बाद जैसे ट्रेलर को लेके चले यार ट्रेलर पे बात करें कि ट्रेलर पे बहुत अच्छी बात बोली है कि यार बेडरूम में जाऊं सेक्स करने के लिए तो ऐसा ना लगे कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक पे जा रहा हूं और दोनों की जो स्टेटमेंट्स थी वो मतलब वो बोलता है 16 बार बोलती 2 बार बिल्कुल। और दिखाया हुआ मतलब दोनों बतराज है तो वो बतरा बतरा का वो मिक्सअप हो जाता है स्पर्म और इधर का उधर हो जाता है सारा और उसी पे चल रहा है पूरा। और आजकल की जो भागदौड़ वाली लाइफ है ना इसमें दिक्कतें आ रही हैं बहुत सी फैमिलीज में दिक्कतें आती हैं क्योंकि मेन चीज क्या है कि न टाइम मिल नहीं पाता और टाइम स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है और काम को लेके आदमी टाइम दे ही नहीं पाता ठीक है। और अब शादियां भी लेट होती हैं पहले यंग एज में शादियां हो जाती थी जब 20-22 साल के तब शादियां हो जाती थी फिर एक दो साल में बच्चे भी हो जाते थे अब शादियां कर लेते हैं तो बच्चे भी नहीं करते आजकल पहले कि थोड़े दिन तक नहीं करेंगे फिर बाद में कई बार होते नहीं है फिर आईवीएफ का सारा लेना पड़ता है और थोड़ा इफेक्ट ये मोबाइल्स का भी है जो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा बढ़ गई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहीं ना कहीं हार्मफुल तो है ही यार हमारे बॉडीज के जो भी रेज चलती है और ये जैसे आपके पॉकेट में रहता है तो फिर इफेक्ट करता ही है क्योंकि इनकी जो सिग्नल की वो जो फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है उससे भी फर्क पड़ता है। हाँ तो वो तो है ही यार देखो अब कहीं ना कहीं सहूलियत है तो चीज़ें खराब कहीं ना कहीं देखो अगर चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं खराब भी हो रही हैं जो हमारे मोबाइल के टावर्स हैं उनसे पक्षियों को नुकसान है लेकिन क्या होता है कोई नहीं ध्यान देता इतना तो वो चीज़ है बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आप देखो ना कि शहरों में पक्षी बहुत कम क्यों मिलते हैं इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उनके ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है शहरों में। और कहीं आप चले जाओ जहाँ पे जंगल है जहाँ पे पहाड़ियों वाला इलाका है वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगी मतलब पक्षी वगैरह शहरों में इतने टावर्स हैं इतनी रेज हैं ये वो है। बाकी यार मेन टॉपिक हम लेके चलते हैं अपने ट्रेलर के ऊपर तो ट्रेलर में यार जो उनके एक्सप्रेशन है करीना कपूर के बहुत अच्छे जब वो ऐसे करते भाई एकदम से निकल आते हैं भाई बहुत ही सही यार दोनों की मतलब जोड़ी तगड़ी होगी अक्षय कुमार और दिलजीत की तो बाकी क्यारा अडवानी है उनकी पहली कॉमेडी मूवी होगी ये अल्टीमेट सीन तो वो लगा मेरे को वो गेट पे जा रहा है देखता है कहता कौन है वही वही के पापा के पापा बहुत ही सही था वो समझता वो भी और सबसे मेन चीज थे देखो लास्ट वाला सीन था वो इतना कॉमेडी करके गया ना इतना इमोशनल था क्योंकि देखो मेन चीज क्या होता है कि प्रेगनेंसी और उसके बाद डिलीवरी क्योंकि जब मेन चीज का बच्चा डिफरेंट हो यार ओबेसी बात मम्मी पापा वैसे दिखते हैं बच्चा वो पगड़ी पहन के निकल रहा सीधे तो यार ओबेसी बात है शॉक लगेगा कॉमेडी सीन बनाया इन्होंने बहुत अच्छा वैसे वो और ओवरऑल जो है मूवी अच्छी आने वाली है मूवी तो यार ऑब्वियस ही बात है अक्षय कुमार और दिलजीत दोनों ही हैं क्योंकि दिलजीत के आप चाहे गाने देख लो चाहे या फिर उनकी मूवी देख लो दिलजीत की मैंने बहुत सी मूवी देखी है यार उसमें कॉमेडी इनके बहुत से और मेन चीज है पंच बहुत अच्छे मारते हैं यार जो बोलने का और एक्सप्रेशन करने का तरीका है ना वो बहुत अच्छा है और वहीं आप अक्षय कुमार को ले लो यार अक्षय कुमार तो एक्सपर्ट है यार उन्होंने तो जैसे जो मूवियां देखो यार एक्टिंग कहते ना कि अक्षय कुमार वो साल में 5 मूवियां भी कर देते हैं यार और सारी अच्छी अच्छी कर देते हैं मेन चीज ये है टॉपिक भी बढ़िया बढ़िया लेके आते हैं। हाँ और चाहे यार देखो स्टंट करने हो वो खुद के स्टंट करते हैं कॉमेडी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एक्सप्रेशन बहुत अच्छे देते हैं तो ओवरऑल जो है ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये मूवी आपको कैसी मतलब आपका देखने की दिल है नहीं है वो हमें जरूर लिख के बताएं नीचे। यार देखो कॉमेडी मूवी है तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि देखो सीरियस मूवी देख देख के आदमी परेशान हो जाता है लेकिन कॉमेडी मूवी देखने का हर किसी का मन करता है वो आप किसी के साथ बैठ के भी देख सकते हो बट ये है कि यार ये मम्मी पापा के साथ बैठ के फैमिली वालों के साथ बहुत कम लोग देख पाएंगे क्योंकि मेन चीज़ का थोड़ा टॉपिक ऐसा है ना तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं उस टाइम
तो बाकी यार फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन भी दबा ही दो यार, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और वीडियो को लाइक कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।